हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एम किचन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आम की बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी चटनी, तो उसको मैं बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 kg के लगभग ये आम ले लिया है और इसको मैंने धो के सुखा लिया ये। और ये थोड़े से मैंने मसाले हैं, जैसे इसमें मैं ऐड करूँगी सौंफ, लाल मिर्च है, ये कलौंजी मसाला है, और ये जीरा, ये थोड़ा सा मेथी ले लिए हैं, और यहाँ पे मैं इसमें डालने के लिए थोड़ा सा चीनी मैंने लिया है। ये इसमें आप थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ चीनी से ही बनाऊंगी इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि मैं ना जो आम है इसको मैं छील के और इसको मैं बारीक से थोड़ा सा काट लेंगे पीसेस में। तो मैं ये तैयारी कर लेती हूँ पहले। इसी तरह से फ्रेंड देखिए, मैंने सारे आम को छील लिए हैं ये, और ये आम जो मेरा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, ये इसको मैंने मीडियम ही लिया, थोड़ा सा खट्टा मीठा है। तो इससे क्या है कि मुरब्बा बहुत ही अच्छा तैयार होता है ये। तो इसको मैं क्या करूँगी कि इस आम को जो है ना, जैसे बीच में अगर गुठली नहीं पड़ी है तो इसको जो है इसको ऐसे काट लेंगे। ये देख रहे हैं, तो जो इसके बीज हैं तो ये बीज को मैं निकाल दूंगी इसको। इस तरह से करके सारे बीज को ऐसे निकाल देंगे और इसके जो है इस तरह से छोटे छोटे पीस बना लेंगे इसके। इसी तरह से इसके पीस बना लेंगे ये। इसको चाहे तो आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं, नहीं तो आप चकोर में भी ऐसे काट सकते हैं ये। तो यहाँ पे ये मेरी कढ़ाई जो है मैंने रख दिया है गरम होने के लिए, और मैं इसमें क्या करूँगी, रिफाइंड तेल डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और ये आम भी मैंने देखिए पीस में इस तरह से मैंने काट लिया है, आप इसको चाहे तो लंबे साइज में भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मैंने काटा हुआ है ये। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें क्या करूंगी, ये सारी चीजें मैं डाल दूंगी इसमें। सभी चीज को मैं डाल दूंगी ऐसे। देखिए हमारा जो तड़का ये हो गया है, तो मैं इसमें ये आम सारे डाल दूंगी इसमें। इसको थोड़ा देर के लिए ऐसे भून लेंगे। इसीलिए मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ऐसे में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ये डाल देंगे इसमें। इसको फ्रेंड जो थोड़ा देर इसे भून के भून लेंगे। ये जो है आम की चटनी बहुत ही चटपटी बन के तैयार होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है ये। तो आप देखेंगे इसमें जो है आम हमारा अच्छे से भुन गया ये, और बस मुझे इतना ही रखना है इसको। और अभी से मैं क्या करूँगी, पानी डाल देंगे, क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है। और इसी में मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स कि थोड़ा सा गरम मसाला है मैं वो डाल दूंगी। इससे क्या है ना कि बहुत ही चटपटी सी बन जाती है ये। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है।
जो ये चीनी है ना इसमें, तो इसको भी मैं इसी में क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। इसको मैं ऐसे चीनी को मिक्स करके इसको मैं थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। ये बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, देखो मैं चला के देख लूंगी, 20 मिनट के लगभग हो गया ये। और अब ये देख रहे हैं कि जो इसका गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें जो है मसालों में ग्रेवी में सब मिक्स हो गई है। तो मैं क्या करूँ, बस मुझे इसी स्टेज तक रखना है, बस मुझे एक सेकेंड के लिए मैं और ढक दूंगी। और गैस का फ्लेम मैं कम कर दूंगी इसको। तो चलिए मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा जो है आम का खट्टा मीठा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। अब मुझे बस इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। तो मैं गैस को अपने बंद कर दूंगी और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो ये फ्रेंड देखिए हमारा जो है आम का खट्टा मीठा मुरब्बा बन के तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। ये आप इसकी ग्रेवी देखिए और बहुत ही अच्छी बनी हुई है ये। तो फ्रेंड्स आप इसको घर में बना के इंजॉय करिए, इसको पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है ये। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल एम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।